गैस, क्या आपको पता है कि कैलिफोर्निया सैन डिएगो की यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक ऐसा डिवाइस इन्वेंट किया है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। यार अमन, ये तो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी तो मेरा एसी जनरेटर भी जनरेट कर सकता है। भले ही एक जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, बट उसको आप अपनी फिंगर टिप्स पर नहीं पहन सकते। यस, ये डिवाइस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा और उसके लिए सिर्फ आपको इसे अपनी फिंगर टिप्स में पहन लेना है। उसके बाद आपके दौड़ते चलते या फिर सोते हुए भी ये डिवाइस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता रहेगा। अभी मत सोचना कि पैसे बचाने के लिए घर की बिजली की लाइन कटवा दें, जिससे कि पैसा ही पैसा होगा। कल अपने उंगलियों पर नाचने वाले इस डिवाइस के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो हेलो गाइस, माय नेम इज अमन एंड मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक वर्ल्ड। तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने इस छोटे से डिवाइस को तैयार किया है। इस डिवाइस को यूज करने के लिए आपको इसे सिर्फ अपनी उंगलियों पर उसी तरह से पहनना होगा जैसे कि आप बैंडेज पहनते हैं, और उसके बाद आप अपनी डेली एक्टिविटीज करते रहिए और ये डिवाइस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता जाएगा। अब यहाँ पर यह भी क्वेश्चन बनता है कि आखिर किस अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। वेल, क्योंकि ये डिवाइस अभी अपने स्टार्टिंग फेज में है और साइज में काफ़ी छोटा है, तो इससे सिर्फ इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी कि ये कुछ सेंसर्स और कुछ छोटे डिवाइसेस को पावर कर सके। एग्जाम्पल के तौर पर एक रिस्ट वॉच को लेते हैं। एक रिस्ट वॉच को ये डिवाइस 24 घंटे के लिए पावर दे सकता है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये डिवाइस किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। मेनली ये डिवाइस दो तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। पहला, आपके फिंगर टिप में बन रहे पसीने की मदद से, और दूसरा आपके फिंगर पर लग रहे हर एक तरह के प्रेशर से। साइंटिस्ट के लिए एक ऐसा डिवाइस बनाना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहा, क्योंकि पहले ही कई सारे ऐसे वेयरेबल डिवाइसेस थे जिनको पहनकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये थी कि वो डिवाइस तब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे जब तक आप वर्क कर रहे हैं, या फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने के लिए उसमें कोई फिजिकल इनपुट करना पड़ता था। बट इस डिवाइस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हाउ विल इट एक्चुअली वर्क? वेल, इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस। इस डिवाइस से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिसिटी का मोस्ट पार्ट स्वेट से ही जनरेट होता है। पहले आइए समझते हैं कैसे। एक्चुअली फिंगर टिप हमारी बॉडी का ऐसा पार्ट होता है जिसमें 24 आवर्स स्वेट परस्पिरेशन होता रहता है, यानी कि 2400 घंटे हमारी फिंगर टिप से स्वेट डिस्चार्ज होता रहता है। एंड यस, हमारे अदर बॉडी पार्ट्स के कंपैरिजन में फिंगर टिप से 100 से 1000 गुना ज़्यादा पसीना डिस्चार्ज होता है। तो यहाँ पर इसी स्वेट को फ्यूल के तौर पर यूज़ किया गया है। अब समझिए कि आखिर कैसे स्वेट को यूटिलाइज करता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। इस डिवाइस में सबसे पहले कार्बन फोम इलेक्ट्रोड की एक पैडिंग होती है, और यही इलेक्ट्रोड्स स्वेट को एब्जॉर्ब करके उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इन कार्बन फोम इलेक्ट्रोड्स में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे स्वेट में प्रेजेंट लैक्टेट और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को तोड़कर उनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराते हैं। सो ऑल ओवर ये एक केमिकल रिएक्शन होता है जो कि इलेक्ट्रोड में प्रेजेंट एंजाइम और हमारे स्वेट में प्रेजेंट लैक्टेट और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के बीच होता है। बट इस डिवाइस से एक और तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और वो है प्रेशर से। एक्चुअली इलेक्ट्रोड के जस्ट नीचे एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल से बनी हुई चिप लगी होगी जो कि प्रेशर लगने पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। नाउ व्हाट इज पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल? वही समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा ट्रांसड्यूसर के बारे में। ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एनर्जी ना ही क्रिएट की जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बस इसका फॉर्म बदला जा सकता है। सो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल भी एक तरह का ट्रांसड्यूसर होता है, और ये डिवाइस प्रेशर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्वार्ट्ज यानी कि सिलिकन डाइऑक्साइड लेते हैं, जिसका फॉर्मूला है SiO2। जैसा कि हम जानते हैं कि सिलिकन पॉजिटिवली चार्ज होता है और ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज, बट इससे अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी कैसे? एक्चुअली इसके लिए सिलिकन और ऑक्सीजन की दो लेयर्स ली जाती हैं और उनको एक के ऊपर एक रखा जाता है। बट सिर्फ एक के ऊपर एक रखने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें चार्ज न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने का मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के नंबर इक्वल होते हैं, लेकिन जैसे ही हम प्रेशर लगाते हैं तो उससे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग होने लगते हैं, जिससे कि एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है तो उससे करंट सर्कुलेट होने लगता है, और उसी करंट को ये डिवाइस यूटिलाइज कर लेता है। पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स लाइटर में भी यूज होते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप लाइटर को प्रेस करते हैं तो उससे स्पार्क निकलता है। वेल, वो पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल के टकराने से ही स्पार्क जनरेट होता है। तो फाइनली इस डिवाइस से जनरेट हुई इलेक्ट्रिसिटी को एक कंडक्टर में स्टोर कर लिया जाता है, और ज़रूरत के हिसाब से इसको यूज भी किया जा सकता है। वेल, साइंटिस्ट ने जब इस डिवाइस की टेस्टिंग की तो सिर्फ 10 घंटे सोने से ही 400 मिली जूल्स की एनर्जी जनरेट हो गई, और एक घंटे की कैजुअल कीबोर्ड टाइपिंग से 30 मिली जूल्स एनर्जी जनरेट हुई।
एंड यस, ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है ये सिर्फ एक ही फिंगर से हुई है। इसका मतलब है अगर आप बची हुई फिंगर्स में भी उस बैंड को लगा लेते हैं तो आप 10 गुना ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। रिसर्चर्स के हिसाब से ये आज तक की सबसे कूल इन्वेंशंस में से एक है, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ अपनी फिंगर टिप से जनरेट कर सकते हैं तो ये कोई छोटी इन्वेंशन नहीं हो सकती। वेल, अभी ये डिवाइस अपने स्टार्टिंग फेज में है और साइज में भी काफ़ी छोटा है, बट इन द अपकमिंग डेज ये डिवाइस और भी ज़्यादा एडवांस होगा और जहाँ तक है कि इससे ज़्यादा करंट प्रोड्यूस हो सकेगा। वेल, आई होप आपको ये इनोवेशन और ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वेल, चलिए देखते हैं कि इस आइडिया को किन डिवाइसेस में और किन फील्ड्स में यूज़ किया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय।